तैयार करा, कोर्स तैयार करा, कोई सर्विस तैयार करा, ये वीडियो डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन सेल्स के ऊपर मिनी एमबीए। अगर आप लोग ऑनलाइन बेचना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो वीडियो पूरा एंड तक देख के जाना। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने और उनको बेचना है, क्योंकि आज के टाइम में जितना पैसा आप ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेच के बना सकते हो ना, वो किसी और इंडस्ट्री में नहीं बना पाओगे। देखो, अगर आप एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आप कॉस्मेटिक बनाते हो, तो कॉस्मेटिक के अंदर आपको पहले फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, पैकिंग करवानी पड़ेगी, लेबलिंग करनी पड़ेगी, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, 100 तरह की फॉर्मेलिटीज होती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या है, एक बार आपने ई बुक तैयार करा, कोर्स तैयार करा, कोई सर्विस तैयार करी, उसके बाद आप मल्टीपल लोगों को वो सर्विस, प्रोडक्ट, ई बुक, कोर्स बेच सकते हो। एडिशनल कोई एक्सपेंस नहीं लगाना है। आज के टाइम में डिजिटल इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की हो चुकी है, और डिजिटल इंडस्ट्री में आज के टाइम में इतना पैसा है कि लोग YouTube पे आप देखिए ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, अलग अलग तरह की लग्जरी कार ले रहे हैं। क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि आप पैसा कमाना आज के टाइम में इजी है, बस लोगों को प्रोसेस नहीं पता। देखो, आज के टाइम में अगर आप ई कॉमर्स में जाते हो ना, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है। आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन जूते, चप्पल, कपड़े, कुछ भी बेच रहे हो, आपको कॉस्ट ऑफ डिलीवरी लगानी पड़ेगी। इसलिए आज देखिए डेंजो, ग्रोफर्स, डेली बास्केट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, फंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बर्न हो रहा है इनका डिलीवरी के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, प्रोडक्ट में मार्जिन कम होता है। लेकिन सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जीरो है। जैसे मेरी एक कंपनी सोनी विजन, वहां हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पूरी लीगल टेक कंपनी मैंने ऑटोपायलट मोड के ऊपर बिल्ड करी। वहां पे हम ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट एग्रीमेंट्स, तरह तरह के लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सारी सर्विसेज ए टू जेड वर्चुअल है, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जीरो है। जितना मेरे पास काम आएगा, उतनी टीम में एक्सपेंड करता जाऊंगा, तो मुझे स्टॉक की टेंशन नहीं है, कोई डेड स्टॉक नहीं है। तो इस तरीके से मैंने तेज एक्सपेंशन करा। अब थोड़ा ऑनलाइन की बात करते हैं कि ऑनलाइन लोग पैसा कैसे कमा रहे। आप देव गांधी को देखो, राजीव तलरेजा को देखो, राहुल मलोडिया को देखो, या कितने भी ऑनलाइन कोचेस आपको दिखेंगे ना, ये सब लोग 99 रुपीज का वेबिनार बेचते हैं। इनके लैंडिंग पेज पर भी जाना, 99 रुपीज का आपको वेबिनार दिखेगा। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, ये लोग लाखों में ऐड चलाते हैं, कस्टमर एक्वायर करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। कोई 99 रुपीज़ बहुत छोटा अमाउंट होता है, हिंदुस्तान में कोई भी इसको डिजिटली बाय कर लेगा। यूएस के अंदर जाओगे, ये नंबर 9.99 डॉलर पर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 10 डॉलर बहुत छोटा अमाउंट होता है। अब एग्जाम्पल से इनकी केस स्टडी आपको समझाता हूँ कि पैसा कैसे बना रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। देखो, 1 लाख लोगों ने इनका ऐड देखा, कॉस्ट पर व्यू 10 रुपीज़, तो कितना खर्चा कर दिया इन्होंने, 10 लाख रुपये ऐड में। अब 1 लाख लोग जो देख रहे ना, उनमें से 10,000 लोगों ने 99 रुपीज पे कर दिए। अगर एड बहुत अच्छे से चलाए, तो इनकी रिकवरी कितनी होगी, 9,90,000 रुपीज। अब ये फनल थोड़ा बहुत ही ब्रेक इवन पे आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड शूट का काउंट नहीं करा है, अदर एक्सपेंसेस काउंट नहीं करे, क्योंकि एक वीडियो के एड चलाने में, प्रोडक्शन में बहुत पैसा ये लोग खर्च करते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख तक की रिकवरी कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फनल के स्टेप पे कि कैसे पैसा कमाते हैं। अब लेट्स सपोज 10,000 लोगों में से 2,000 लोगों ने 20,000 रुपए का कोर्स बाय कर डाला, तो यहाँ पे इन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब उन 2,000 लोगों में से 100 लोगों ने इनको 5 लाख रुपए दिए किसी प्रीमियम प्रोडक्ट के, वो कंसल्टिंग हो सकता है, पर्सनल कोचिंग हो सकती है, तो 100 × 5 लाख, ये 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो आप इस फनल को समझिए, शुरुआत में इन्होंने 10 लाख प्लस 5 लाख एड शूट में लगा दिए होंगे, 15 लाख रुपए। पहले स्टेप में इन्होंने 10 लाख रुपए कमाए, तो मतलब 5 लाख के नेट लॉस में थे। उसके बाद इन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट करा, वो इनके लिए प्रॉफिट ही था, क्योंकि उसमें कुछ खर्चा नहीं था, ऊपर के पास एक 5 लाख थे। फिर इन्होंने उसी लीड्स में से वापस उनको अपसेल करा और उनको 5 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो ऐसे ये लोग अपसेल कर करके उन्हीं लीड्स के ऊपर पैसा बनाते हैं। मतलब फनल छोटा होता जाता है, जो लोग इतने बड़ी क्वांटिटी में थे, जब अमाउंट बढ़ेगा वो लोग कम होते जाएंगे, और ये पैसा बढ़ाते जाएंगे, और ये उतना पैसा कमाते जाएंगे। आज के टाइम में डिजिटल इंडस्ट्री में आप पैसा कमा सकते हो, और टाइम चेंज भी हो रहा है। जैसे 15-20 साल पहले देखो, ट्रैवल एजेंट दबा के पैसा कमाते थे, क्योंकि मुझे दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, किसी भी डेस्टिनेशन पे हनीमून के लिए जाना है, घूमने जाना है, तो वहाँ पे हमें एक एजेंट चाहिए होता था। क्यों? फ्लाइट्स कौन करेगा, होटल कौन करेगा, टैक्सी मैं ऑनलाइन थोड़ा सर्च कर सकता हूँ। बट आज के टाइम में ट्रैवल एजेंट को कोई पूछ भी नहीं रहा है, मोबाइल खोला, फ्लाइट टिकट चेक कर ली, इंडिगो सस्ता है, स्पाइसजेट सस्ता है, विस्तारा सस्ता है। जैसे मुझे बिजनेस क्लास लेनी होती है, तो मैं ऑनलाइन ही सर्च कर लेता हूँ, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा होटल बुक करना होता है दुबई, सिंगापुर के अंदर, तो भी ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ।
टैक्सी के लिए उबर आ गया तो लोकल ट्रैवल की भी टेंशन खत्म। तो इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, जहां ट्रैवल एजेंट आज से 15 साल पहले लाखों रुपए महीने का अर्न करते थे, अब उनके कस्टमर कम हो गए। क्यों? सब ऑनलाइन चले गए, प्रोसेस ईजी हो गया। तो आज के टाइम में जो ट्रैवल एजेंट्स पैकेज बना के बेच रहे हैं ना, और जो इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, वो मार्केट से आउट हो गए। अगर आपको एक्सपेंशन करना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, सर्विस सपोर्टेड बिजनेस के अंदर, तो आपको बिजनेस के फनल चाहिए होते हैं, तभी आप स्केल अप कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर सर्विस बेच के पैसे कमाना इजी है, बट आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अब एक चीज को समझिए, ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर कितने लोग आपको देख रहे हैं मैटर नहीं करता, कितने लोग आप लोगों का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ये मैटर करता है। जैसे उर्फी हो गया, पिपाशा हो गया, अब आप इन सबको जानते हो, उर्फी को जानते हो, पिपाशा को जानते हो, सनी लियोनी को जानते हो, बट इनके रिकमेंडेशन पे आप कितने प्रोडक्ट्स बाय करोगे, कितनी सर्विस बाय करोगे? इसीलिए बड़ी ब्रांड्स इनको यूज नहीं करती है ब्रांड डील एंडोर्समेंट के अंदर, क्योंकि देखिए कस्टमर ऑनलाइन स्मार्ट हो गया है। अगर इन्फ्लुएंसर या जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो कस्टमर बाय नहीं करेगा। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना भी कंटेंट ऑनलाइन बनाओ, एड शूट करो, वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ, ब्लॉग्स बनवाओ, वो कस्टमर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर कस्टमर आपके कंटेंट से कनेक्ट हो रहा है और राइट कस्टमर तक भी जा रहा है, अगर मैंने मर्सिडीज़ का ऐड बनाया है और होंडा सिटी खरीदने वाला उस ऐड को देख रहा है, तो मर्सिडीज़ कभी बिकने वाली नहीं है। मर्सिडीज़ का ऐड उसी आदमी को दिखना चाहिए जिसकी जेब में 5 से 10 करोड़ रुपए स्पेयर पड़े हों एक लग्जरी कार बाय करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि एक तो राइट ऐड, राइट कंटेंट, फिर उसके बाद राइट कस्टमर तक टारगेट होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाहते हो, फनल बनाना चाहते हो, महंगे प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको हम जैसे कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। हम क्लाइंट्स के लिए सबसे पहले लैंडिंग पेज बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि एक लैंडिंग पेज जितना अट्रैक्टिव होगा ना, उतना फास्ट कन्वर्जन आएगा। आप कितने भी कोचेस का या जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनके लैंडिंग पेज देखो, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे एड्स को डिजाइन करने में, एड्स को बनाने में, लीड्स को एक्वायर करने में। जैसे हमने समोसा सिंह के लिए रील शूट करी थी, समोसा सिंह ब्रांड जो कि आज बहुत बड़ी बन चुकी है, उसके लिए हमने एड शूट करा था। काफी सारे बड़ी ब्रांड्स के लिए हम एड शूट करते हैं, तो वो एड्स जरूरी होते हैं। अगर एड्स अच्छे से नहीं बना होगा, एडिटिंग अच्छे से नहीं होगी, तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। फिर तीसरी चीज होता है मेटा के थ्रू एड्स को रन करना, टारगेट करना पड़ता है आपको राइट कस्टमर तक। हमारा फोकस रहता है कि 100 रुपए में हम एक लीड जनरेट कर लें या उससे कम पैसों में, क्योंकि अगर राइट लोगों तक आपका एड नहीं जा रहा है ना, तो खाली लोग देखते रहेंगे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आपके एड्स में बंद हो जाएंगे, सिस्टम में लीड जनरेट नहीं होगी, या फिर गलत लोगों तक वो ऐड चला गया, गलत मैसेज चला गया, व्हाट्सएप पे सिस्टम में आपके पास लीड्स आ जाएंगी बट वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या क्या पैकेज बना रहे हो, क्या फनल बना रहे हो, फनल में आने के बाद कस्टमर कैसे आएगा, उसका टच पॉइंट क्या होगा, आपके कस्टमर का टच पॉइंट क्या होगा, क्या वो आपके रिप्रेजेंटेटिव या मतलब कॉलिंग वाले पर्सन से बात करेगा, या फिर वो लैंडिंग पेज पे आएगा, या वेबसाइट में क्वेरी भरेगा, कोई फॉर्म फिलअप करेगा, या डायरेक्टली आपकी टीम से बात करेगा, उसके बाद उसको आगे कैसे लेके जाना है, क्या उसको पहले कोई छोटा अमाउंट हमें पिच करना है या डायरेक्टली बड़ा अमाउंट पिच करना है, तो उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी। ये सारा प्रोसेस शुरुआत से वेल डिफाइंड होना चाहिए किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन स्केल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्केल करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से लीड जनरेट करना चाहते हो, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। मेरी टीम आपसे कनेक्ट होगी आपके बिजनेस की ग्रोथ को लेके, स्ट्रैटेजीज को लेके और सेल्स फनल को लेके, जिससे आप बिजनेस में सेल्स और वॉल्यूम को बढ़ा पाओ। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अत्यापर सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।